वैसे तो चुनावों के दौरान तमाम तरह के विवाद, आरोप प्रत्यारोप सामने आते ही रहते हैं, लेकिन दिल्ली में वोटिंग से पहले बुरके पर तकरार छिड़ी हुई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली चुनाव आयोग से मुलाकात करके मतदान के लिए आने वाली बुरखाधारी मतदाताओं को सही तरीके से वेरिफिकेशन की मांग की है। बीजेपी द्वारा मुस्लिम महिला मतदाताओं की पहचान की मांग उठाने से राजनीति में एक अलग ही तूफान उठ खड़ा हुआ है। अब इस मामले में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई। दिल्ली भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल ने विधायक अजय महावर, जितेंद्र महाजन और मोहन सिंह बिष्ट, वकील नीरज गुप्ता ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देते हुए निवेदन किया है कि वोटिंग वाले दिन जो भी बुरखा पहने हुए हो या फिर किसी ने मास्क लगाया हो, उसका पूरी तरह से चेहरा खुला होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की गलत वोटिंग ना हो सके। इसके पीछे का कारण दिल्ली भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि दिल्ली के साथ पड़ोसी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई फेक वोटिंग ना हो। चुनाव आयोग ने भरोसा दिया कि इस मामले में कानूनी तौर पर जो भी बेहतर विकल्प होगा उस पर वो काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार की गलत वोटिंग को समाप्त कर दिया जाए। बीजेपी द्वारा उठाए इस मामले पर AIMIM प्रमुख ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिना वजह से विवाद खड़ा कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक्स पर लिखा, तेलंगाना में पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान इनके उम्मीदवार ने मुस्लिम ख्वातीन की सारेआम बेइज्जती की और परेशान करने का काम किया। हर चुनाव में भाजपा कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मुस्लिम ख्वातीन को परेशान करती है और निशाना बनाती है। असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं कि पर्दा नाशीन औरतों को लेकर निर्वाचन सदन के साफ कवायद और जावते हैं, चाहे वो बुरखे में हो या घूंघट में हो या मास्क में, बिना तस्दीक जांच के किसी को भी वोट देने नहीं दिया जाएगा। तो फिर भाजपा को ऐसी खास मांग क्यों करनी पड़ी? उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद है बस मुसलमान औरतों को निशाना बनाया जाए, उनको सताया जाए और उन्हें वोट देने में बाधा बनाया जाए।